हेलो इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IEX शेयर के बारे में, जिसे हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और साथ ही बात करेंगे IEX शेयर की जो मार्केट में करंट न्यूज़ चल रही है, उस सभी को चर्चा करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया की मेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी बनने के लिए लगातार जो बड़े बड़े प्रयास कर रहे, जिसके वजह से आने वाले समय में इस स्टॉक में हमें काफ़ी बड़ी तेज़ी का मॉल देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप इसका करंट प्राइस की बात करें तो 151 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही आप देखोगे इसका 52 वीक हाई तो करीब 163 रुपीज़ के आसपास, 52 वीक लो भी देखोगे तो 116 रुपीज़ के आसपास है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी बढ़िया पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि कंपनी की जो मैनेजमेंट है कंटिन्यूसली इंडिया की जो टॉप्स कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही, जिसमें आप देखोगे जेल, ONGC, इंडियन ऑयल, अडानी गैस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनकी पार्टनरशिप, साथ ही देखोगे टोरेंट गैस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी इन्होंने जो पार्टनरशिप की है, और आने वाले समय में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिस्ट में और भी बड़े बड़े पार्टनर्स आते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखोगे जेल, इंडियन ऑयल, ONGC, अडानी गैस जैसे सभी बड़ी कंपनियों के साथ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने जो पार्टनरशिप की है, जिससे आने वाले समय में इस स्टॉक में काफ़ी मोटा पैसा बनने वाला है। तो सही मौके पर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया होने वाला है ये स्टॉक। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक आपके पोर्टफोलियो है इसलिए भी परफेक्ट है, क्योंकि आप इनके जो सेल्स और रिजल्ट्स पे भी नज़र डालोगे तो कंपनी कंटिन्यूसली जिस तेज़ी से इंप्रूव कर रही है, और इनके आप क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, और कंटिन्यूसली इनकी सेल्स भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप पिछला क्वार्टर पर नज़र डालोगे तो कंपनी ने करीब करीब 90 करोड़ का जो प्रॉफिट जनरेट करके दिया था, जो कि ईयर ऑन ईयर देखोगे 21% की जो ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाला है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और इनके आने वाले क्वार्टर्स में ये और भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें होते हुए देखने को मिलेगा। और आप ईयर ऑन ईयर पे भी नज़र डालोगे तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक पे आप नज़र डालोगे तो इनका इलेक्ट्रिसिटी का वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, जो कि 4% से 13% हो गया, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और ये सितंबर के मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, और ये आने वाले अभी जैसे कि दिसंबर और जनवरी में जो उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें ये वॉल्यूम हमें और भी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नज़र आएगा। मे बी ये हमें 20 से 25% भी होते हुए नज़र आएगा, क्योंकि इंडिया में जो बड़े बड़े कंपनी से जिनके साथ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने जो पार्टनरशिप की, जिनके प्रोजेक्ट्स अभी वो फिलहाल रन कर रहा है, जिससे आने वाले कुछ सालों में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की प्राइस हमें काफ़ी ऊंचाइयों पे देखने को मिलने वाली है। डेफिनेटली ये स्टॉक हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक जिस तेज़ी से बढ़ रहा है आने वाले समय के लिए काफ़ी बढ़िया होने वाला है, और जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली जो एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स पे जो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स कर रही, जिसके वजह से जो एनर्जी सेक्टर्स में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा बूम हमें देखने को मिल रहा है, और जैसे आप देखोगे इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही, जिस वजह से सोलार, विंड, हाइड्रो के जरिए जो प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मीन्स आने वाले समय के लिए इंडियन एनर्जी स्टॉक हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और क्योंकि सबसे मेन इनका जो मुझे पॉइंट सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इनकी जो पार्टनर्स है, जो इनके पार्टनर्स हुए जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो कि स्टॉक का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में आप देखोगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज फिलहाल इंडिया में करीब 7.7% के आसपास का योगदान दे रहा है, और आने वाले कुछ सालों में ये योगदान और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी हाल ही में जो बड़े बड़े इनको ऑर्डर सारे कंटिन्यूसली जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, इंडिया के टॉप्स कंपनियों के साथ इनको ऑर्डर सारे, तो मतलब आने वाले समय के लिए इंडियन एनर्जी स्टॉक हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न डेफिनेटली देने वाला। और सही मौके पर आपने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया तो आने वाले समय में आपको काफ़ी मोटा पैसा बनते हुए नज़र आ सकता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर में। और बात करें तो जो अक्टूबर 2023 में कंपनी की जो हाई डिमांड थी, जिसके वजह से IEX शेयर ने अपनी जो सालाना देखा जाए तो करीब करीब 68% से बढ़ाकर 6.25 पर यूनिट कर दी थी, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, और जो मार्केट की प्राइस पे भी बात करें वो टाइम काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी उस पर यूनिट की। कंपनी के फंडामेंटल्स पे बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इंडिया की पहली कंपनी जिससे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने जो लाइसेंस दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया, और इसी के ऐसे कुछ ये पॉइंट्स है जिसके वजह से ये कंपनी आने वाले समय के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करती हुई नज़र आएगी। मार्केट कैपिटल पर आप नज़र डालोगे तो करीब हमें 13,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल, जो कि काफ़ी बड़ा है, और जिस प्राइस पर आज ये हमें मिल रहा है तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और अभी भी आप देखोगे तो काफ़ी अंडर वैल्यू प्राइस पर अभी ये मिल रहा है, फेस वैल्यू पर नज़र डालोगे 1 रुपीज़ के आसपास है,
आरओई पे देखोगे और आरओसी भी देखोगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, 39% के आसपास आरओसी भी देखोगे तो 51% जो कि काफ़ी बढ़िया स्टॉक के लिए, और ऐसे आपको बड़े बड़े स्टॉकों में भी देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, आरओई भी देखोगे आरओसी भी देखोगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। कंपनी पे देखोगे कंपनी पे कोई कर्ज नहीं, कंपनी काफ़ी लंबे समय से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में, और कंपनी ने अपने रिटेल यूनिट्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दिए पिछले कुछ सालों में। और जैसे कि मैंने आपको बोला आरओई देखो कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और कंपनी एक हेल्थी डिविडेंड भी देती है जो कि काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। पीर कंपैरिजन में देखोगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हमें 7 नंबर पे नज़र आ रही है, और उसके ऊपर की कंपनीज पे आप नज़र डालोगे काफ़ी ज़्यादा फिगर्स वाले कंपनी है जो कि आने वाले समय में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी टॉप कंपनियों पर नज़र आने वाली है। सेल्स पे नज़र डालोगे तो कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और कंपनी के आप एक्सपेंस भी देखोगे काफ़ी ज़्यादा कम में, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस में, और कंपनी की जो देखोगे सेल्स से काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा बन रहा है, और अच्छे खासे देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि आप कंपनी के क्वार्टर बाय रिजल्ट देखोगे हर साल कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सेल कर रही है, और कंपनी काफ़ी लंबे समय से प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो आप डेफिनेटली आने वाले सालों के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर में काफ़ी मोटा पैसा बना के देने वाले। बैलेंस शीट पे भी नज़र डालोगे तो इक्विटी कैपिटल काफ़ी बढ़िया, और कंपनी की रिजर्व भी देखोगे तो कंपनी के जो मेंबर्स से कंटिन्यूसली जो रिजर्व बढ़ाते हुए नज़र आए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये डेफिनेटली सबसे बढ़िया पॉइंट लग रहा है, रिजर्व पर नज़र डालोगे पिछले कई सालों से जो कंपनी के मैनेजमेंट है कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया पॉइंट है स्टॉक के लिए। कंपनी के पास लाइबिलिटीज भी एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन देखो कि सामने कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व भी पड़े, कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया असेट्स भी पड़े हुए हैं। और साथ में देखोगे डेप्टर डे देखोगे तो 75 से हमें 6 होते हुए नज़र आए, जो कि काफ़ी बढ़िया पॉइंट है फिलहाल तो। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी आप देखोगे तो FIs और DS की काफ़ी मोटी मोटी होल्डिंग पड़ी हुई, करीब देखोगे जो FIs और DS की होल्डिंग करीब करीब काफ़ी ज़्यादा, जो FIs की होल्डिंग पे आप नज़र डालोगे करीब करीब 17% के आसपास, DS की होल्डिंग पे आप नज़र डालोगे 21% के आसपास है। तो आप डेफिनेटली स्टॉक पे अपनी नज़रें बना के रख सकते हो, काफ़ी बढ़िया स्टॉक होने वाला फ्यूचर में, और लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक आपको काफ़ी बड़े टारगेट्स दिखाने वाला है, क्योंकि स्टॉक जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट कर रहा है और जो इनकी ग्रोथ बढ़ रही है मार्केट से, आने वाले समय में स्टॉक आपको काफ़ी बड़े टारगेट्स दिखाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर में जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले, और आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपके लिए डेली बेसिस पर स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।